अस्सलामु अलैकुम मेरे रब की हर मखलूक को। आई एम मेहर निसा मजीद एंड दिस इज ऑसम इन्फो टीवी। आवर टुडे टॉपिक इज अल्बर्ट आइंस्टाइन एज अ चाइल्ड, और इसी में हम इनकी स्टोरी से एक मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी लेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे जब द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट ने अपने स्कूल में हेडमास्टर के कहने पर एक चिट अपनी वालदा को ला कर दी। माँ ने खोल कर उसे पढ़ा और बच्चे को पढ़कर सुनाया, मिस अल्बर्ट को, कि टीचर सेड, उस्ताद ने कहा है कि योर चाइल्ड इज माइंड ब्लोइंग, तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर एक नामूर साइंसदान बनेगा, और हमारे स्कूल और टीचर स्टाफ में ये विल नहीं कि वो आपके बच्चे को पढ़ा सके, सो इसलिए आप अपने बच्चे को कल से घर ही में पढ़ाएं। मैंने खत बंद किया, मींस माँ कहने, माँ ने खत बंद किया और कहा, यू आर सो मोर इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट, मैं तुम्हारी तरबियत खुद घर में करूंगी। और काफी अरसे के बाद जब द अल्बर्ट आइंस्टाइन वंडरफुल एंड ग्रेट साइंटिस्ट बन गए, किसी वजह से अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे, तब इन्हें वो लेटर मिला, गंदा धूल जमी हुई। अल्बर्ट ने उसे पकड़ कर साफ किया और पढ़ा। वो लेटर बिल्कुल अपनी उसी हालत में था फोल्डेड, और जिसको पढ़कर वो हैरान हुए और रोने लगे। पूछा गया कि आप क्यों रोए उस लेटर को पढ़ के, क्यों? उन्होंने बताया, क्योंकि प्रिंसिपल सेट, प्रिंसिपल ने कहा था, उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल नालायक है और ये कल से स्कूल ना आए, हम आपके बच्चे के जिम्मेदार नहीं है। मगर माँ ने उसे क्या पढ़कर सुनाया, दैट यू आर जीनियस, यू आर अ ग्रेट साइंटिस्ट इन फ्यूचर, एंड सी वट ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट एवर 15 ईयर अगो, और आज हम इनको अपनी किताबों और अपने जहनों में हमेशा के लिए बिठाए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। इफ यू आर इन अ पोजिशन दैट यू थिंक यू आर नॉट यूजलेस, दैट्स मीन यू आर रेडी टू डू मस्ट वंडरफुल चार्मिंग एंड मैजिकल वर्क, बिकॉज You are only the one who know what you are. So get up and do something. आप वो सब कर सकते हैं जिसको करने की आप चाह रखते हैं। You earn more than Bill Gates. If you think then you earn more than Bill Gates. Your thinking is the most powerful thing in your life. You think positive, you give positive and take positive. That's me. आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, आपको वैसा ही मिलेगा। आप अच्छा सोचेंगे, आपको अच्छा मिलेगा, और आप बुरा सोचेंगे तो बेशक आपको बुरा मिलेगा, और वो किसी भी अकीदे से रख ले, इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, किसी भी अकीदे में जाए, आप जैसा सोचेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। आजकल एक बात बहुत चल रही है कि अगर आप रिच होना चाहते हैं, जस्ट लाइक संदीप महेश्वरी एंड बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर यही कहते हैं कि अगर आप रिच होना चाहते हैं तो आप अपनी अपनी सोसाइटी, अपने इर्द-गिर्द का माहौल, अपना एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं, मींस कि आप अपने साथ 10 या 5 लोग ऐसे रखें जो अमीर हैं, जो कुछ ना कुछ बने हुए हैं। इस तरह आप अगले, अगर वो आपके पास 5 लोग हैं तो अगले 6वां आप खुद होंगे। इसी तरह हमारा मजहब भी यही कहता है कि अगर आप इस्लाम, आप इस्लाम सीखना चाहते हैं तो आप इस्लाम वाले के पास बैठे, जस्ट लाइक 2 कैंडल्स विच इज लाइटनिंग, विच गिव लाइट, के वो जल रही है, और उसी के साथ एक और कैंडल पड़ी हुई है लेकिन वो जल नहीं रही, लेकिन एक साथ पड़े तो हुए है ना, आपकी जरा सी कोशिश से वो दूसरी कैंडल जल नहीं रही, वो भी जल सकती है। दैट्स व्हाई कि आप जिस सोहबत में बैठते हैं आप उस तरह का हो जाते हैं, आप कैंडल तो है लेकिन रोशनी नहीं दे रहे,
लेकिन अगर आप एक रोशनी देने के वाले के पास बैठेंगे तो आप भी रोशनी देने वाले बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग। यू थिंक बेटर, यू थिंक पॉजिटिव, यू विल डू एवरीथिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज गॉड सेड यू आर अशरफुल मखलूकात। खुदा ने, अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन साख में पैदा किया है। सिर्फ इंसान या ऐसा शख्सियत ऐसा चीज बनाई गया कि जिसको रब ताला फरमाता है कि मैंने इसको बेहतरीन साख में पैदा किया, तो आप क्यों अपने आप को झुठला रहे हैं? योर फिंगरप्रिंट डजंट मैच विद एनीवन बिकॉज यू आर हु आर यू। सो गेट अप, स्टार्ट व्हाट यू थिंक, यू हैव अ पैशन व्हाट यू थिंक, यू कैन डू एनीथिंग। सो आज से आप मेरे भी उम्मीद बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर लाइक द वीडियो, एंड मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी अपने मोटिव को पाने के लिए जद्दोजहद करना शुरू करें। तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर योर व्यू, एंड मस्ट रिमेम्बर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज, मेरा और आपका खुदा हाफिज।